फ्रेंड्स, सो दिस माय वीडियो इज रिलेटेड टू इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम विच प्रिलिमिनरी पेपर वन। एंड उसमें जो पेपर वन इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट वाज फर्स्ट टाइम कंडक्टेड 2017 17 से लेके 24 तक 8 बार पेपर कंडक्ट हुआ है, और उसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं। आज का मेरा वीडियो अबाउट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में है। एंड द सेम थिंग इज डन फॉर ऑल द 10 टॉपिक्स। देर आर 10 टॉपिक्स इन इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर वन प्रिलिमिनरी। हर टॉपिक में से आपको ये आइडिया होना चाहिए कि पिछले 8 सालों में कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। दिस नॉलेज विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू मेक अ स्ट्रेटेजी के इस बार 2025 में जो पेपर वन होगा प्रिलिमिनरी का, फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन विल बी आस्ड। एंड ऑल्सो यू शुड मेक अ स्ट्रेटेजी When you go through all these topics of each, of the 10 topics, when you go through each of the, component of these topics, you'll find that 5-6 topics ऐसे होते हैं, 5-6 ऐसे, basically topics होते हैं जहां से question repeatedly पूछा जाता है। तो उन 10 parts में से हर part में 5-6 topics आपको बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। For example, information and communication technology, ही रिपीटेडली आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू आईटी, डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया प्लानिंग और गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनमें से बहुत क्वेश्चन वो पूछता है हर बार रिपीटेडली। और ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ फ्रेंड्स, लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड टेल यू कि आईसीटी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले 10 साल में। आई एम श्योर दिस इज विजिबल टू यू नाउ। ये आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिछले 8 सालों में जो आए हैं, और इन 10 टॉपिक्स में से हमने ये टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं। और मेरा आज का वीडियो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स एंड देयर एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग एज नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, इनमें से आज का मेरा जो वीडियो है इट इज रिलेटेड टू दैट। अब इसमें अगर आप देखेंगे जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर वन है आईसीटी का, उसका बेस्ट वे तैयार करने का जो है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। अगर आप 8 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपको बहुत सा आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने डेप्थ में तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। वही यूरोपीडिया के मेंटर्स भी करते हैं। सो व्हाट यूरोपीडिया मेंटर्स हैव डन, दे हैव ट्राई टू मेक अ मॉड्यूल फॉर ऑल ऑफ यू दोज हु आर गोइंग टू राइट दिस पेपर। और उस मॉड्यूल का जो खास बात है, यूएसपी है, दैट इज आप लोगों को 500, 600, 700 घंटे का मॉड्यूल नहीं है। ये बहुत ही प्रिसाइज कंसाइज मॉड्यूल होगा जिसके अंदर आप टू द पॉइंट आपको टॉपिक मिलेंगे, और सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर किए जाएंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और ये डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जाएंगे। और जो कंटेंट पार्ट है वो सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है इस मॉड्यूल की। जो आपके इंटरनेट है, इंटरनेट के ऊपर जो इमेजेस हैं या कोई आपका डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट मटेरियल पड़ा है, उस सारे को हमने एक अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आपके लिए बहुत ही एक एग्जॉस्टिव मॉड्यूल इवॉल्व किया है। 2017 में कहाँ से क्वेश्चन आए थे आईसीटी के, ये टॉपिक्स थे जो 2017 में आए थे। लेट मी ब्रॉडन इट, अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके आपको तो दिखा सकूं। सो दिस वाज द टॉपिक फ्रॉम 2017 जो पहली बार हुआ था। तो डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नेंस, वहां से क्वेश्चन आता है। आईओटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर हार्डवेयर टर्म्स, जिसकी एक पूरी लिस्ट आपको मैं दूंगा, वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर मेमोरी, इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस, सो होलोग्राफिक डेटा स्टोरेज, और फिर डेटा स्टोरेज और टाइप का, वेब सर्विसेज बेस्ड टेक्नोलॉजीज, WWW टर्म्स, और कुछ कंप्यूटर मालवेयर्स, फायरबॉल, ऐसे ऐसे मालवेयर्स में से क्वेश्चंस आते हैं। और एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार एक या दो क्वेश्चंस होते हैं आईसीटी का यूज एजुकेशन के अंदर। कई बार सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। उसी तरीके से 2018 में उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इनिशिएटिव के बारे में पूछा था, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज इनिशिएटिव पूछी थी, गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द फील्ड ऑफ ई गवर्नेंस पूछा था, अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पूछी थी, आईसीटी रिलेटेड फ्लैगशिप प्रोग्राम्स पूछे थे, कंप्यूटर एक्सेसरीज, हार्डवेयर, ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे, सेमीकंडक्टर्स में से, हॉल इफेक्ट में से क्वेश्चंस आए थे, ओपन सोर्स आईसीटी लर्निंग फ्री सॉफ्टवेयर टूल्स में से क्वेश्चन आए थे, एडवांटेजेस क्या थी ई गवर्नेंस प्रोग्राम की, डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी CDMA, और ई नाम प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन आया था। जैसे ई गवर्नेंस पोर्टल होता है, उसी तरीके से ई नाम का जो पोर्टल था उसमें से क्वेश्चन आया था।
एंड कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, मॉड्यूलेशन, पल्स फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में. जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, देवर कोडिंग एंड इट्स एडवांटेजेस, ऑडियो विजुअल डिवाइसेस की कोडिंग्स, ट्रांसमिशन के बारे में क्वेश्चन था, बैंडविड्थ एलोकेशन मैकेनिज्म के बारे में था, कंप्यूटर नेटवर्क लेयर रिलेटेड इश्यूज, जो प्री इको पीई डिस्टॉर्शन, ऑडियो सिग्नल्स, हिस्टोग्राम, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन कंप्यूटर नेटवर्क में, पी टू पी लिंक कंप्यूटर नेटवर्क में, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, फिर प्रोटोकॉल एचटीटीपी प्रोटोकॉल, डीएनएस, होस्ट नेम, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, आईपी एड्रेस, कॉमन गेटवे इंटरफेस, सीजीआई जिसको बोलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 4 बार पूछा जा चुका है. इनक्रिप्शन प्रोग्राम, क्रिप्टोग्राफिक प्राइवेसी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टेस्टिंग एंड डीबगिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, इम्यूलेटर्स एंड एप्लीकेशंस, यहाँ से क्वेश्चंस आया था. साइबरनेटिक कंट्रोल फीडबैक सिस्टम, कॉमन गेटवे इंटरफेस, मैंने आपको बताया था कि सीजीआई प्रोग्रामिंग इसमें से क्वेश्चन आता है. फिर एफईटी सेमीकंडक्टर डिवाइस सिस्टम, नेशनल इंटरनेट सेंस मूवमेंट हब पॉइंट्स, फिर इथरनेट एंड लैन प्रोटोकॉल, आई ट्रिपल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स में से बहुत से क्वेश्चन आते हैं. आई ट्रिपल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स क्रिएट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं. वाईफाई की डिटेल्स से क्वेश्चंस आया था. फिर नोडल डिपार्टमेंट्स जो इंप्लीमेंट करते हैं पब्लिक इंटरनेट एक्सेस को, वहां से क्वेश्चंस. डिजिटल इंडिया मिशन एंड उसके डिटेल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट इन नेशनल ई गवर्नेंस प्लान फॉर स्टोरेज एंड होस्टिंग, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, लर्निंग पेडागोगी यूजिंग आईसीटी टूल्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस प्रोग्राम यूजिंग पीपी पर्सनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, उसके ऊपर क्वेश्चन था. सेमीकंडक्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ट्रांजिस्टर्स से, फिर सेमीकंडक्टर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांजिस्टर्स, प्रोटोकॉल्स, रूटिंग डिसीजन मेकिंग, आई ट्रिपल स्टैंडर्ड्स, नेटवर्क मेट्रिक्स, रिसोर्स लोकेटर्स, कॉमन गेटवे इंफॉर्मेशन सिस्टम सीजीआई, मैंने आपको बताया बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन यहाँ से. वेब टेक्नोलॉजी बेस्ड ई लर्निंग मेथड, ये मैं सारे का सारा आपको कंटेंट अभी नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन इसके बेस पे सारे का सारा कंटेंट आपको, एडिशनल कंटेंट जो ऑलरेडी यूपीडी में पड़ा हुआ है, इसके बेस पे और आपको कंटेंट बनेगा, बिकॉज वो कंटेंट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है. और ये आपका रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं पिछले कुछ सालों में, उनमें से बेसिकली क्वेश्चंस जो आते हैं, आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है. डाटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम क्रिप्टोग्राफी में ये उससे रिलेटेड है. रूटिंग अटैक्स ऑन आईओटी, टाइप्स ऑफ रूटिंग अटैक्स कितने होते हैं, ओएसआई रेफरेंस लेयर ट्रांसमिशन मीडियम में, कम्युनिकेशन एप्लीकेशन. सो फ्रेंड्स, अगर आप इन टॉपिक्स को डेप्थ में जाएंगे, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, इनके साथ लगते कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये 100 टॉपिक है आईसीटी में से, जहां से आपको रिवाइज करना है और आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर 1 की तैयारी करनी है. और इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा डेप्थ में होंगे, कुछ टॉपिक बहुत डेप्थ में नहीं होंगे, बट दिस विल गिव यू एन आइडिया कि दीज आर द 100 टॉपिक्स जो जहां से बार बार क्वेश्चन आता है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट. क्वांटम कंप्यूटिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पिछले कुछ टाइम में जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है. फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट टेबल जो यूज होते हैं, पिक्सल, इमेज, बिट, ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी जहाँ से क्वेश्चन आता है. इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर एंड फेलोर नेटवर्क में फेलोर, मल्टी स्टेट करेक्टराइजेशन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. और ट्रांसमिशन मीडिया फॉर रिमोट कंट्रोल कम्युनिकेशन, आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल जो रैप करने, आईपी पैकेट्स को रैप करने में यूज होते हैं, कोड और मॉड्यूल फॉर ब्राउजर फेच वेब वेब ब्राउजर फेचिंग फॉर स्पेशल डायरेक्टरी ऑन डिस्क, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था. इंटरफेस वेब सर्वर को, बैक टू बैक एंड प्रोग्राम के लिए जो आपका सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है उसका इंटरफेस, वेरियस वेबसाइट फीचर्स, इंटरनेट सर्वर एरर, लैंग्वेज जो यूज की जाती है वेब पेज डिवाइस डिजाइन करने के लिए, आईटी पॉलिसीज गवर्नमेंट की, मैलिशियस अटैक होते हैं, हैकर्स अटैक करते हैं उनके बारे में टर्मिनोलॉजीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस कंप्यूटर प्रोग्राम की, वायरसेस, बग्स, स्पैम्स, वॉर्म्स, ये सारे फिशिंग, रूट किट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कंप्यूटर्स में यूज करते हैं और जो बेसिकली हम लोग इसका एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं. तो दीज वर सम ऑफ द सम क्या है, ये सारा एग्जॉस्टिव क्वेश्चंस हैं आईसीटी में से. तो हमने जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में से क्वेश्चंस आए हैं
2017 से लेके 24 तक, वो सारे के सारे इस डॉक्यूमेंट में कवर किए हैं फ्रेंड्स। और ऐसे ही डॉक्यूमेंट आपका क्वालिटी कंट्रोल का है, वैल्यूज एंड एथिक्स का है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, मटेरियल साइंस का है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, करंट अफेयर्स का है, ऐसे ही डॉक्यूमेंट सारे बने हैं। यू टेक दिस डॉक्यूमेंट्स, सो 10 टॉपिक्स, एंड हर टॉपिक्स में से क्या 100 इंपॉर्टेंट डोमेन्स में से क्वेश्चन आता है वो सारे का सारा कवर किया है। तो आई एम वेरी श्योर दिस विल गिव यू एन आइडिया, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका डिटेल कंटेंट, डिटेल वीडियोस आप योर पीडीएफ के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन केस यू वॉन्ट टू गेट कॉन्फिडेंट इन पेपर वन इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिलिमिनरी, योर पीडीएफ प्लेटफॉर्म इज देयर फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, लुक फॉरवर्ड टू मेंटरिंग सून। थैंक यू।